दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ द्वारा एक जो ज्ञापन जारी किया गया है उस पर चर्चा करूंगा, जो हाल ही में जारी किया गया है और सभी जिले के जिलाध्यक्ष महोदय को ये अनुरोध किया गया है कि यह ज्ञापन अपने कलेक्टर महोदय को सौंपे। तो यहाँ पर देखिए, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश सचिव सभी लिखा हुआ है और प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा आयोजित कर नियमित करने बाबत यहाँ पर दिया गया है और द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अपना जिले का नाम लिख देना है और इसे ही आपको निकाल लेना है, जो PDF है इससे प्रिंट निकल जाएगा और यहाँ पेन से लिख देंगे अपने जिले का नाम, डेट लिख देंगे और यही फॉर्मेट सभी को अपने कलेक्टर महोदय को सौंपना है। तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि अतिथि शिक्षक 14-15 वर्षों से मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में अल्प मानदेय पर पूरी निष्ठा व लगन से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, परंतु अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय है। महोदय जी, अतिथि शिक्षा व्यवस्था आपकी सरकार द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। आपकी सरकार गरीब, हितैषी व सर्वहारा वर्ग की सरकार है। आपकी सरकार ने सभी वर्गों को कुछ ना कुछ अवश्य दिया है, परंतु अतिथि शिक्षक आज तक वंचित है। हमारा भविष्य आपके हाथ में है। हम नहीं चाहते कि आपकी सरकार पर अतिथि शिक्षकों को लेकर कोई सवाल खड़ा हो या सरकार व अतिथि शिक्षकों के बीच में अविश्वास की स्थिति ना बने। इसीलिए महोदय जी से निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने का कष्ट करें। यह जो ज्ञापन है उसमें दिया गया है। आगे ज्ञापन में जो विकल्प सुझाए गए हैं सरकार को, उनमें देखिए, सबसे पहला है अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से नए पद सृजित किए जाएं। दूसरा, नए जो सृजित किए गए पद हैं इन पर केवल अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा ली जाए। तीसरा, यहाँ कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 40% किया जाए। चौथा है, विभागीय परीक्षा में किसी भी प्रकार का आरक्षण न रखा जाए। पांचवा, विभागीय परीक्षा में आयु का बंधन न रखा जाए। और छठवीं मांग यहाँ की गई है, अतिथि शिक्षकों को अन्य राज्यों की भांति नियम बनाकर नियमित किया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं। योजना का जो विकल्प है उसमें है कि प्रति शैक्षणिक सत्र यानी एक सत्र में कम से कम 120 दिन अध्यापन कार्य के हो, 3 अंक के हिसाब से अधिकतम 10 शैक्षणिक सत्रों के अनुभव के बोनस अंक दिए जाएं, यानी कुल 30 अंक यहाँ दिए जाएं। और अतिथि शिक्षकों की जो विभागीय पात्रता परीक्षा होगी उसे 70% किया जाए, यानी उसके 70 अंक जोड़े जाएं। इस प्रकार कुल यहाँ पर 100 अंक निर्धारित किए जाएं। इस प्रकार जो ज्ञापन तैयार किया गया है ये मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ सौंपना है और जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं वो जिला अध्यक्ष अपना नाम लिखेंगे, आज़ादी स्कूल अतिथि शिक्षक संघ जिला लिख देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालकर यह ज्ञापन सभी को देना है। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि सभी जिला अध्यक्ष इस फॉर्मेट को प्रिंट लेकर अपने कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे, जिससे हमारी जायज मांग सरकार तक पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।